उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? विश्व युद्ध के तुरंत बाद। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी जो दिया हुआ है उसमें कौन से शहर के बारे में बताया गया है? अमृतसर। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर। लहना सिंह किस पद पर कार्यरत था? लहना सिंह कौन से पोस्ट पे था? जमादार। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहा करते थे? मामा। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? जो झुंड थी उसमें सबसे ज्यादा विद्वान कौन था, विदूषक कौन था उस पलटन में? वजीरा सिंह। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह कौन से कहानी का, कौन से स्टोरी का कैरेक्टर है, कौन से स्टोरी का पात्र है? उसने कहा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? लहना सिंह बचपन में लड़की से क्वेश्चन करता था, तो कौन सा प्रश्न बार बार करता था वो? तेरी कुर्माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई, शादी हो गई। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? जर्मन के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? लहना सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या है? सिख राइफल्स के जो जमादार हैं लहना सिंह, उनका नंबर क्या है? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? लायलपुर में। सुखमय जीवन किन की रचना है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? पांच भागों में। उसने कहा था कहानी में युद्ध का वर्णन कितने भागों में किया गया है? तीन भागों में। चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग। 1900 से 1919। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? लहना सिंह।